गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय सुदर्शना
जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद नितय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल नितय गौरा हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर सत His Divine Grace Abhay Charanar Vind Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Anant Koti Vaishnava Vrind Ki Jai Shri Shri Radha Gokula Nand Ki Jai Shri Shri Gaur Nithai Ki Jai Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Mai Shri Sudarshan Ki Jai Shri Radhashtami Mahotsav Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरून् दीनतारणं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धोभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। श्री राधाष्टमी महोत्सव की जय। इस पावन दिवस पर आप सबका श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में हार्दिक स्वागत है। आज पिछले वर्षों की तुलना में कई भक्त यहाँ पर या दर्शनार्थी मंदिर में आए, दिन भर आ रहे थे। वैसे जन्माष्टमी में जैसी भीड़ होती है पूरी तरह से वैसे तो नहीं, परंतु लगभग ऐसे दिखाई पड़ रहा था। तो ये एक अच्छा लक्षण है समाज के लिए। जब हम समाचार पत्र खोलते हैं, खोलने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी यूं ही बोल रहे हैं, तो हमें केवल बुरी खबरें सुनने को मिलती हैं। तो कभी कभी अच्छी खबरें छपती नहीं हैं, या तो फिर इतना छोटा लेख होता है कि हम पढ़ते नहीं हैं। परंतु अच्छे खबरें भी हैं, जैसे हम लोग यहाँ ये उत्सव मना रहे हैं श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव का, और इतने सारे दर्शनार्थी श्रद्धालु लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और आज भी शाम को आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो ये कितना अच्छा समाचार है। तो हमारे अनंतलाल प्रभु पता नहीं यहाँ है कि नहीं, वो भी समाचार पत्रों में जाके मंदिर का समाचार देते रहते हैं, और इस प्रकार से ये प्रचार फैल रहा है। जब हम भगवान कृष्ण के जन्मदिन की बात करते हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, तो सबको इस दिन के बारे में पता होता है, परंतु राधाष्टमी क्या है ये इतने लोगों को पता नहीं होता है। केवल जो कृष्ण भक्त हैं या जो भक्तों से परिचित हैं उन्हें पता होता है, बल्कि उन्हें स्पष्ट रूप से ये नहीं पता होता है कि श्रीमती राधा रानी कौन हैं, उनका महत्व क्या है। हाँ, अवश्य भगवान श्री कृष्ण के साथ श्रीमती राधा रानी जोड़ी जाती हैं, हम राधा कृष्ण कहते हैं, जैसे हम सीता राम कहते हैं या लक्ष्मी नारायण कहते हैं, तो ये सबको पता होता है। परंतु श्रीमती राधा रानी हैं कौन, और ये जोड़ी किस तरह से प्रकट हुई, ये सब महत्वपूर्ण विषय हैं हमारे चर्चा के लिए। वैसे भगवान श्री कृष्ण परम सत्य हैं, परम पुरुष हैं, परंतु परम पुरुष या परम सत्य केवल पुरुष होते हैं, पुरुष के साथ प्रकृति भी होती है। जैसे यहाँ इस संसार में हम पुरुष और स्त्री की बात करते हैं, उसी प्रकार से आध्यात्मिक दृष्टि से पुरुष और प्रकृति की बात होती है। हालांकि यहाँ पर पुरुष और प्रकृति का भाव या अर्थ कुछ थोड़ा अलग सा होता है। पुरुष आध्यात्मिक दृष्टि से शक्तिमान का संबोधन है, समस्त शक्तियों से युक्त जो है वो शक्तिमान, और संपूर्ण रीति से असीमित मात्रा में जिनके अंदर शक्ति है और हर प्रकार की शक्ति है, वो है परम शक्तिमान, और वो है श्री कृष्ण। अभी यदि सूर्य है और सूर्य के किरणें नहीं है तो ये कैसे सूर्य होगा? तो ठीक उसी प्रकार से सर्वशक्तिमान हैं
परंतु कोई शक्ति ही नहीं है, तो ये कैसे शक्तिमान होंगे, ये कैसे भगवान होंगे जिनके कोई शक्तियां ही नहीं है। भारत में अनेक लोग केवल शक्तिमान की उपासना करते हैं, कई अन्य लोग केवल शक्ति की उपासना करते हैं, और विरला ही है तुलनात्मक दृष्टि से ऐसे लोग जो दोनों की उपासना एक साथ में करते हैं, क्योंकि वो भली भांति जानते हैं कि शक्तिमान और शक्ति दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से सूर्य और सूर्य के किरणें अलग नहीं किए जा सकते, जिस प्रकार से कस्तूरी मृग से कस्तूर के गंध को, कस्तूर से कस्तूर के गंध को अलग नहीं किया जा सकता, जिस प्रकार से अग्नि से उसकी उष्णता और प्रकाश को अलग नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार से भगवान को उनकी शक्तियों से अलग नहीं किया जा सकता है। यदि हम केवल सूर्य के बारे में जानते हैं परंतु सूर्य के किरणों के बारे में नहीं जानते हैं, तो अवश्य हम सूर्य को जानते हैं परंतु संपूर्ण रूप से नहीं, क्योंकि सूर्य के शक्ति का हमें ज्ञान नहीं है। और यदि हमें केवल सूर्य के किरणों का ज्ञान है परंतु सूर्य के किरणें कहाँ से आती हैं, जो सूर्य का गोला है, यदि उसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है तो भी हमारा ज्ञान अपूर्ण होगा। परंतु जब हम सूर्य और सूर्य के किरणों को एक साथ समझते हैं, और यही संपूर्ण सूर्य है, सूर्य केवल सूर्य का गोला या केवल सूर्य का किरण नहीं है, जब दोनों साथ में देखे जाते हैं तब वो संपूर्ण सूर्य है। ठीक उसी प्रकार से यदि हम केवल श्री कृष्ण को देखते हैं और उनकी शक्तियों को नहीं देखते हैं, तो हमारा ज्ञान अपूर्ण है, क्योंकि श्री कृष्ण बिना इनकी शक्तियों के कैसे शक्तिमान हो सकते हैं। उसी प्रकार से यदि हमने केवल सृष्टि को देखा या भगवान के अन्य शक्तियों के बारे में जान लिया, परंतु ये शक्तियां कहां से आ रही हैं, किनकी शक्तियां हैं, कौन उनको कार्य करा रहा है, ये यदि हम नहीं जानते तो भी हमारा ज्ञान अपूर्ण होगा। और उनकी परम शक्ति कौन है, श्रीमती राधा रानी। तो श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी दोनों एक साथ जब होते हैं तो यह है संपूर्ण परम सत्य। इसलिए परम सत्य की जानकारी जो करना चाहते हैं उनको पुरुष और प्रकृति दोनों की जानकारी होनी चाहिए, अन्यथा उनका ज्ञान अधूरा रह जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण के अनंत शक्तियां हैं और ये शक्तियों की सीमा नहीं है। तो ये जो मूल शक्ति है इनको मूल प्रकृति कहते हैं, वो श्रीमती राधा रानी है। भगवान कृष्ण से संपूर्ण अवतार उत्पन्न होते हैं, ऐसे श्रीमद् भागवतम, ब्रह्म संहिता और ऐसे ग्रंथों में कहा गया है। एते चांस कला पुंसं कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। तो जितने भी भगवान श्री कृष्ण के रूप हैं, उनके विस्तार हैं, उनके अवतार हैं, जैसे कि नरसिंह देव भगवान, वामन देव, मत्स्य अवतार इत्यादि, वो सब भगवान कृष्ण से उत्पन्न होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जितने भी शक्तियां हैं भगवान के जितने भी संगिनियां हैं, वो सब श्रीमती राधा रानी से अंततः उत्पन्न होती हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, भगवान श्री कृष्ण की शक्तियां हैं और शक्तियों के विस्तार भी श्रीमती राधा रानी से उत्पन्न होती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अवतार ही हैं, समस्त अवतारों के उद्गम, और श्रीमती राधा रानी अंशनी हैं,
समस्त जो शक्ति के अंश हैं, विस्तार हैं, उनकी स्रोत है वो। इस प्रकार से राधा रानी और कृष्ण एक हैं, एकात्मानावपि भुवि पुरा देह भेदं गतौतौ। राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनि शक्तिरस्माद्। ऐसे चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि राधा रानी और श्री कृष्ण, इनका जो संबंध है, इनके जो कार्यकलाप हैं, क्रियाकलाप हैं, वो भौतिक नहीं होते, वो आध्यात्मिक होते हैं। और भगवान की जो आध्यात्मिक शक्ति है वो उनसे उत्पन्न होती है, इनमें स्थित है। भगवान की एक शक्ति है लादिनी शक्ति, जिससे भगवान स्वयं आनंद पाते हैं और अपने शक्तियों को भी, अपने अंशों को भी आनंद प्रदान करते हैं, परंतु वो शुद्ध आनंद है। यहां पर जो भौतिक जगत में हम सुख का अनुभव करते हैं वो उस मूल शुद्ध आनंद का विकृत रूप है। तो यहां पर इतनी सारी शक्तियां हम देखते हैं वो अंततः श्रीमती राधा रानी से आती हैं। इस प्रकार से दोनों शक्तिमान और शक्ति, श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी, अलग नहीं किए जा सकते। तो ऐसे कई लोग कहते हैं भगवान पुरुष है, तो कई लोग कहेंगे नहीं नहीं पुरुषों क्यों, ये सब आप पुरुषों ने बनाया हुआ है। हम कहते हैं परम सत्य महिला होनी चाहिए। फिर कोई और कहते हैं नहीं नहीं पुरुष, नहीं नहीं महिला। तो ये सब चल रहा है दुनिया में, परंतु सत्य क्या है, भगवान पुरुष है या महिला है, दोनों एक साथ हैं। इस दृष्टि से नहीं जैसे यहां हम अन्य लोगों को थोड़ा देखते हैं, उस दृष्टि से नहीं, परंतु राधा और कृष्ण एक हैं, परंतु एक आत्मा, एक आत्माना अपि पूरी अपुरा भुवि देह भेदं गतौतौ। तो भी अनादि काल से वो एक आत्मा, वो एक राधा कृष्ण अलग हो गए दो रूपों में, तो इन दो रूपों में कोई अंतर नहीं है। और वही भगवान श्री कृष्ण अपने शक्ति के साथ लीला करते हैं, कार्य करते हैं, दिव्य आनंद का आदान प्रदान करते हैं, ऐसे आध्यात्मिक परम आनंद का आस्वादन करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों साथ में होने चाहिए। हाँ, वृंदावन में जाएंगे तो भगवान श्री कृष्ण से अधिक महत्व श्रीमती राधा रानी को देते हैं, क्योंकि श्रीमती राधा रानी के कृपा के बिना हम श्री कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकते। श्रीमती राधा रानी सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं। ये जो राधा शब्द है, राधिका शब्द है, ये कहां से आया, कौन से शब्द से आया? आराधना, आराधना, जिनकी आराधना सर्वश्रेष्ठ है। आराधना आप समझते हैं ना, उपासना, जो सेवा होती है। तो जिनकी भगवत सेवा, कृष्ण सेवा सबसे उत्तम है, सर्वोच्च है, वो है राधा या राधिका। कई लोग ये भी तर्क करते हैं कि श्रीमद् भागवतम में श्रीमती राधा रानी का उल्लेख क्यों नहीं हुआ। यदि वास्तव में श्रीमती राधा रानी सबसे महत्वपूर्ण है, सर समस्त मूल शक्ति है भगवान की, जिनसे जिन जो भगवान के साथ में न रहे तो भगवान अपूर्ण रह जाएंगे, तो ऐसे श्रीमती राधा रानी का नाम से उल्लेख क्यों नहीं हुआ है श्रीमद् भागवतम में। अब देखिए इसके पीछे एक बहुत रहस्य है। तो रहस्य ये है कि शुकदेव गोस्वामी, जो कि राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत का उपदेश दे रहे थे, उनके पास केवल 7 दिन थे, क्योंकि राजा परीक्षित को शाप मिला था कि उनको 7 दिन में उनकी मृत्यु होनी थी। तो अब इतना समय था नहीं शुकदेव गोस्वामी के पास, और वहां पर राजा परीक्षित के साथ में बहुत बड़ी संख्या में अनेक और ऋषि मुनिगण थे,
जो कि इस भागवत कथा को सुनने आए थे। और ऐसा नहीं है कि जितने भी ये ऋषि मुनि थे वो सारे भगवान कृष्ण के भक्त थे, ऐसा नहीं है। कोई योगी थे, कोई ज्ञानी थे, कोई कुछ कोई कुछ, अलग अलग धारणाओं को मानते थे ये सारे ऋषि मुनिगण। हाँ, थोड़े महान भक्त भी थे, जैसे नारद जी व्यास देव जी वहां पर थे, जो सुखदेव गोस्वामी के पिता और उनके गुरु थे। तो जब सुखदेव गोस्वामी ने देखा कि मुझे राजा परीक्षित को 7 दिन में संपूर्ण श्रीमद् भागवतम सुनाना है, ये कैसे संभव है, और तो मैं केवल वृंदावन की लीला समझाने जाऊं तो ये जो अन्य ऋषि मुनिगण हैं ये तो समझेंगे नहीं, इसको सस्ता लेंगे, इसलिए सर्वप्रथम मुझे ये स्थापना करनी है कि श्री कृष्ण परम सत्य है। इसलिए श्रीमद् भागवतम का प्रारंभ कैसे होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कि वासुदेव या श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं। और पहले श्लोक से ही व्यासदेव वर्णन करना प्रारंभ करते हैं परम सत्य का, और धीरे धीरे से परम सत्य की पहचान करा के परम सत्य के अनेक जो भाव होते हैं समझने के, उनके अनेक रूप होते हैं, अनेक प्राकट्य होते हैं इस भौतिक सृष्टि के अंदर भी और आध्यात्मिक जगत में भी, उन सब का वर्णन करते करते धीरे 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 वो दशम स्कंध तक पहुंचते हैं, और दशम स्कंध में कृष्ण जन्म का वर्णन करके फिर बहुत ही आनंद से वृंदावन लीलाओं का वर्णन करते हैं। पहले बाल लीलाएं, पौगुंड लीलाएं, और फिर कैशोर लीला तक आते हैं, तब तक तो कितने अध्याय समाप्त हो चुके होते हैं, और राजा परीक्षित के पास बहुत कम समय बचा हुआ होता है। और दूसरी बात कि सुखदेव गोस्वामी वृंदावन के भक्त हैं, बहुत रसिक भक्त हैं वो, और यदि वो श्रीमती राधा रानी का नाम लेते तो फिर वो बेहोश होके गिर पड़ते, भाव विभोर हो जाते, प्रेमावेश में फिर वो अपनी कथा आगे नहीं कर पाते, तो राजा परीक्षित का क्या होता उधर। तो ये सेवा है। देखिए, हमारे निजी सुख के अनुभव से अधिक महत्वपूर्ण है हमारी सेवा। भले हमें सेवा से आनंद मिले या न मिले, यदि भगवान को और भगवान के भक्तों को आनंद मिल रहा है तो बस वो सेवा हमारे लिए परिपूर्ण है। जो आध्यात्मिक जीवन में परिपक्व नहीं होते हैं वो अपने सुख के बारे में सोचते हैं, परंतु जो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े हुए हैं वो अपने जीवन के बारे में न सोचकर भगवान और भगवान के भक्तों के सुख के बारे में सोचते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने सोचा कि मैं श्रीमती राधा रानी का वर्णन करता रहूंगा तो मैं भाव विभोर हो जाऊंगा, राजा परीक्षित को कम समय है देह त्याग करने के लिए, इसलिए उन्होंने केवल एक संकेत मात्र दिया है, अनयाराधितो नूनम, ऐसे अनयाराधितो नूनम। तो भगवान हरिरीश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतोयम अनयत्र। ये श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है जिसका अर्थ है कि जब गोपियां श्री कृष्ण के साथ थी वृंदावन में और श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर अचानक चले गए, कहीं अदृश्य हो गए, सारे गोपियां बहुत ही विचलित हो गईं। श्री कृष्ण के विरह में इधर उधर श्री कृष्ण को ढूंढने लगी, और फिर श्रीमती राधा रानी भी नहीं रही, और आगे चल के वो समझ गए कि श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ हैं। तो उस समय उन्होंने ये श्लोक कहा, अनया मतलब उनके द्वारा, किनके द्वारा, राधा रानी के द्वारा, अनया आराधित नूनम भगवान हरिरीश्वर यन्नो विहाय गोविंद। ये गोविंद जो है ये हमें छोड़कर विहाय, गोविंद ने, जो भगवान हैं, जो हरि हैं, जो ईश्वर हैं, उन्होंने हमको त्याग दिया है,
और केवल एक गोपी के पास गए हैं। वो कौन है? वो गोपी जिनकी आराधना सर्वश्रेष्ठ है और वो है श्रीमती राधा रानी। तो इसीलिए श्रीमती राधा रानी सबसे श्रेष्ठ कृष्ण भक्त मानी जाती हैं। उनसे श्रेष्ठ कोई भक्त नहीं हो सकता। बल्कि यदि जब तक हम श्रीमती राधा रानी की कृपा नहीं प्राप्त करेंगे तब तक हम भक्त हो ही नहीं सकते। इसलिए वृंदावन में आप जाएंगे तो आप पेड़ों के ऊपर भी देखेंगे राधे राधे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहाँ पेड़ों पे राधे राधे ज्यादा कहते हैं, कृष्ण कृष्ण कम कहते हैं। क्योंकि वृंदावन के निवासियों को अच्छी तरह से पता है कि यदि हमें शुद्ध कृष्ण भक्त होना है तो श्रीमती राधा रानी के चरण चिन्हों में चलना चाहिए, उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। और जब श्रीमती राधा रानी हमारी सेवा से प्रसन्न हो जाएंगी और वो श्री कृष्ण से कहेंगी कि इनको स्वीकार कर लो, ये बेचारे बेलगाम में रह के बहुत परिश्रम कर रहे हैं, राधा गोकुलानंद मंदिर में नित्य रूप से आते हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं, इतनी समस्याएं हैं, घर में समस्या है, शरीर की समस्याएं हैं, आर्थिक समस्या, इतनी समस्याएं होते हुए भी आपकी सेवा में श्रद्धालु निष्ठापूर्ण हैं, तो श्री कृष्ण कहेंगे वैसे मैं नहीं देने वाला था लेकिन आप कह रहे हो तो फिर देना ही पड़ेगा मुझे। तो देखिए भक्त को बुद्धिमान होना चाहिए, है ना, कहां किनको प्रसन्न करना चाहिए पता होना चाहिए। इसलिए जब कोई बड़े आदमी के पास जाना है किसी को, तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहिए जो उनके बहुत निकट है, जिनकी आवाज वो सुनेंगे। तो उस व्यक्ति को जाके प्रसन्न कीजिए तो दो अच्छे शब्द हमारे लिए उस व्यक्ति के कानों में डालेंगे, तो वो व्यक्ति कहेगा हाँ हाँ उनको बुला। तो ठीक उसी प्रकार से यदि हमें कृष्ण की कृपा चाहिए, कृष्ण भक्ति चाहिए, तो श्रीमती राधा रानी की कृपा आवश्यक है। श्रीमती राधा रानी परम गोपी हैं। ऐसे पुराणों में कहा गया है कि वृंदावन में लाखों लाखों गोपियां हैं, उनमें से 16,000 गोपियां प्रमुख हैं। इन 16,000 गोपियों में से 108 गोपियां प्रमुख हैं। इन 108 गोपियों में से 8 गोपियां प्रमुख हैं। 8 गोपियों में से 2 गोपियां प्रमुख हैं। 2 गोपियों में से 1 गोपी प्रमुख हैं और वो है श्रीमती राधा रानी। इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी का नाम लेके, उनकी कृपा लेके प्राप्त करके हम अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। देखिए भगवान का नाम परम दयालु है, कृपालु है इत्यादि। भगवान के बहुत महत्वपूर्ण गुण है कृपा, भगवान के अनंत गुण हैं। परंतु इनमें से ये 2 गुण हैं जो भक्तों के लिए अति महत्वपूर्ण है, एक है सौंदर्य और दूसरा है कृपा। तो भगवान के सौंदर्य से अवश्य हम सब आकर्षित होते हैं, नहीं भी होते हैं तो आकर्षित कैसे होना चाहिए? कृपा प्राप्त करके। अभी अभी अंदर था कमरे में, यहाँ आश्रम में, तो वहां मैंने दीवार पे एक बात देखी जो लगाई हुई थी, और वो बात ये है, शायद प्रभुपाद जी की है कि शायद प्रभुपाद जी की होगी, कि केवल शास्त्रों से हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, केवल कृपा से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु शास्त्रों को पढ़ने का, जानने का अर्थ ये है, उद्देश्य ये है कि हमें पता चले कि कृपा कैसे प्राप्त करनी है। हम बात समझ गए? केवल शास्त्रों को पढ़ने से भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवत प्राप्ति के लिए क्या चाहिए? कृपा चाहिए। तो फिर शास्त्रों को क्यों पढ़ना चाहिए?
क्योंकि शास्त्रों को पढ़ने से हमें पता चलेगा कि कृपा कैसे प्राप्त करनी है। तो कृपा का विभाग श्रीमती राधा रानी का है। घर में आप में से कईयों का अनुभव होगा, कभी कभी माता पिता बच्चे को डांट देते हैं और फिर बच्चा जो है पिता से घबराता है, जाके फिर माँ से माँ के पास जाता है, माँ छुप छुप के उसको दे देती है, उसको शांत करती। बच्चे को पता होता है कि पिताजी का गुस्सा बहुत है, लेकिन माँ बहुत जल्दी से शांत हो जाएगी और जल्दी से मेरे साथ ठीक से व्यवहार करेगी। तो उसी प्रकार से कभी कभी कृष्ण भी ऐसे अपने थोड़े इस रूप में आ जाते हैं, सख्त रूप में आ जाते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को त्याग दो, मेरे शरण में आओ, ऐसे शर्त रखते हैं जिसको उनको हम घबरा जाते हैं। अरे सारे धर्मों को त्यागो, केवल भगवान के शरण में जाओ, तो हमें क्या करना होगा, क्या होगा हमारे परिवार का, व्यवसाय का क्या होगा। तो श्रीमती राधा रानी कहते ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम बस करते रहो, नाम लेते रहो, मैं कृपा देती रहूंगी। तो इसलिए राधा रानी श्री कृष्ण से अधिक कृपालु है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति श्रीमती राधा रानी के पास जाएंगे और क्या प्रार्थना करेंगे, आप ज्यादा कृपालु हैं इसलिए आप जल्दी से हमारी इच्छाएं पूर्ण करती हैं, इसलिए जल्दी से हमें धन दे दीजिए। ऐसा करते हैं नहीं, हम राधा रानी के पास जाके कृष्ण भक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, अन्य किसी चीज के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी मिलाकर संपूर्ण परम सत्य हैं और दोनों मिलके हमारे ऊपर ऐसी कृपा करते हैं कि हम जल्दी से आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने लगते हैं। तो अभी श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिन आज है। कैसे प्रकट हुई वो? जिस प्रकार श्री कृष्ण का आविर्भाव दिव्य होता है, अलौकिक होता है, साधारण भौतिक दृष्टि से भगवान के जन्म को और भगवान के कर्मों को नहीं देखना चाहिए, तो ठीक उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव या जन्म भी दिव्य है। और जिस प्रकार से श्री कृष्ण के दिव्य जन्म और कर्मों को जानकर हम भगवान के धाम को प्राप्त हो सकते हैं, उसी तरह से श्रीमती राधा रानी से भी। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्चना। तो श्रीमती राधा रानी का स्थान, जन्म स्थान है, कौन सा जन्म स्थान है? रावल, जो कि गोकुल से अधिक दूर नहीं है। और गोकुल श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। वैसे तो जन्म स्थान मथुरा है, परंतु वसुदेव तुरंत श्री कृष्ण को मथुरा से यमुना पार करके गोकुल ले गए, इसलिए हम गोकुल को ही भगवान का स्थान मानते हैं। वहीं से श्री कृष्ण की लीलाएं प्रारंभ हो गई। तो क्योंकि वृषभानु महाराज, जो कि श्रीमती राधा रानी के पिता थे, और नंद महाराज, जो कि श्री कृष्ण के पिता थे, दोनों ग्वालों के राजा थे, दोनों ही घनिष्ठ मित्र थे। जब नंद महाराज नंद ग्राम में रहते थे, तो उस समय वृषभानु महाराज बरसाना में रहते थे, जो नंद ग्राम के पास में है। जब परजन्य महाराज, नंद महाराज के पिता, फिर यहां पर नंदग्राम से लेकर गोकुल में आए, तो उस समय वृषभानु महाराज का परिवार भी रावल में आया, जो कि गोकुल के पास में है, क्योंकि दोनों पास पास में रहना चाहते थे। और इस समय ना श्री कृष्ण का जन्म हुआ था ना श्रीमती राधा रानी का, तो गोकुल और रावल पास पास में है, यमुना के तट पे है। तो श्री कृष्ण का जन्म हो चुका था
और श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं प्रारंभ कर ली थी। वैसे श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के जन्म उनकी आयु में कितना अंतर है, ये विद्वानों के बीच में एक थोड़ा विवाद का विषय है। कोई कहते हैं 15 दिन, 15 दिन अर्थात जन्माष्टमी लेकर अब तक, कोई कहते हैं 1 साल और 15 दिन, जो भी हो लगभग उतना है। तो उधर जब श्री कृष्ण प्रकट हो गए थे तो नारद मुनि आए, क्योंकि जहां भगवान होंगे, जहां भगवान की लीलाएं होंगी, वहां निश्चित रूप से नारद मुनि तो पहुंच ही जाएंगे। जहां भगवान होते हैं वहां भक्त होते हैं, जहां भक्त होते हैं वहां भगवान होते हैं, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। तो नारद मुनि दर्शन करने के लिए श्री कृष्ण के पास आए तो बड़े आनंद से उन्होंने दर्शन किया श्री कृष्ण का। नंद महाराज को खूब आशीर्वाद दिया और कहा कि आप सब इस बच्चे का ख्याल रखना, इसे बहुत प्रेम करना, सारे व्यक्ति, संपूर्ण जगत, संपूर्ण सृष्टि का जीवन सफल हो जाएगा यदि इस बच्चे की वो उपासना करें तो। तो ऐसे कहकर नारद मुनि निकल गए। अब नारद मुनि जानते थे कि श्री कृष्ण अकेले नहीं रहते, पुरुष के साथ प्रकृति होनी है, भगवान के साथ उनकी संगिनी होनी है। परंतु इस लीला में जब भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी उनके धाम से यहाँ चले आते हैं तो उन दोनों का आविर्भाव, उन दोनों का जन्म अलग अलग स्थानों में होता है, जैसे श्री कृष्ण का गोकुल में, राधा रानी का रावल में। जैसे कि श्री राम और सीता सदैव आध्यात्मिक जगत में एक साथ में हैं, परंतु जब यहाँ भौतिक सृष्टि में प्रकट होते हैं प्रकट लीला करने के लिए, तो श्री कृष्ण का जन्म अयोध्या में होता, श्री राम का जन्म अयोध्या में होता है और सीता देवी का जन्म कहाँ से होता है? मिथिला में होता है। तो परंतु दोनों वास्तव में पहले से एक साथ में है, परंतु लीला के लिए इस भौतिक सृष्टि में ऐसे प्रतीत होता है कि वो अलग जन्म ले रहे हैं और किसी एक समय पर पहली बार मिल रहे हैं। ये एक दिव्य लीला है, एक दिव्य नाटक है ये, भगवान उनके भक्तों के आनंद को बढ़ाने के लिए। तो नारद मुनि समझ गए श्री कृष्ण आए हैं तो निश्चित उनकी संगिनी भी आई होंगी, उनकी शक्ति भी प्रकट हुई होंगी। तो नारद मुनि यहां वहां सब जगह घूम रहे थे और फिर घूमते घूमते अभी 1 साल बीत गया और उधर फिर व्रज में बहुत नवजात बच्चियों को वो देख रहे थे। फिर ऐसे देखते देखते वो संतुष्ट नहीं हुए, हर घर में जाके पूछते थे, आपके घर में कोई किसी बच्चे का जन्म हुआ है? कौन है जो नारद मुनि को नहीं जानता? अरे नारद मुनि हमारे घर में आए हैं तो उनका स्वागत करते, आइए आइए, हाँ हाँ हमारे घर में बच्चा हुआ है, आशीर्वाद दीजिए। तो नारद मुनि आशीर्वाद तो दे देते, बच्चे का जीवन भी धन्य हो जाता, परंतु नारद मुनि कहते नहीं, सोचते नहीं, ये वो नहीं है बच्ची, फिर दूसरे घर में जाते। ऐसे करते करते वो अंततः पहुंचे वृषभानु महाराज के घर में, रावल में। वृषभानु महाराज से उन्होंने पूछा कि वृषभानु महाराज, आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है क्या? तो वृषभानु महाराज ने कहा हाँ हाँ हुआ हुआ है। तो उन्होंने अपने पुत्र को सामने लाकर प्रस्तुत किया जिनका नाम था श्रीदामा। श्रीदामा को सामने लाए तो नारद मुनि ने आलिंगन किया श्रीदामा को, बहुत कृपा की, परंतु कहा नहीं नहीं और कोई बच्ची है क्या? हाँ है तो सही, हाँ तो फिर दिखाइए। क्या कहूँ नारद जी, अभी आप आए हैं तो आपको सच तो बताना ही पड़ेगा। तो क्या सच है?
ये बच्ची तो आई है हमारे परिवार में, लेकिन वो देख नहीं सकती है, बोल नहीं सकती है, सुन नहीं सकती है। है तो बहुत सुंदर, परंतु ये है समस्या, इसलिए आप आइए। तो नारद मुनि देखते हैं, चलो देख लेते हैं, शायद यही होंगे। तो फिर ये बच्ची आए कैसे वहां वृषभानु महाराज के पास, इसके बारे में भी पुराणों में एक लीला है। जब वृषभानु महाराज एक बार यमुना तक गए थे, तो अचानक उन्होंने यमुना में एक बहुत ही प्रकाशमान सुंदर कमल पुष्प देखा, जो स्वर्ण रंग का था, बहुत चमक रहा था। और वो अंदर गए, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये विशाल बहुत ही तेजस्वी कमल पुष्प को देखकर। तो धीरे धीरे से वो कमल पुष्प उनके पास में आया, तट के पास। तो अंदर उन्होंने देखा कि अहो आश्चर्यम क्या है, यहां इस कमल पुष्प के ऊपर या इसके अंदर एक बहुत सुंदर बालिका है, और इतनी सुंदर है कि वृषभानु महाराज स्तब्ध रह गए वहां पे, ऐसे सुंदर बच्ची को कभी देखा नहीं था। तो उन्होंने उठा लिया उस बच्ची को, और ठीक उसी समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी वहां पर आए, और ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे वृषभानु महाराज, आप बड़े भाग्यवान हैं, आपकी पत्नी कीर्तिदा भी बहुत भाग्यशाली हैं, आप दोनों ने पिछले जन्म में बहुत तपस्या की थी कि हमें भगवान की संगिनी पुत्री के रूप में चाहिए, तो अभी आपकी तपस्या सफल हुई है, उन्होंने आपकी इच्छा पूरी की है, और यही आपके पुत्री के रूप में अभी प्रकट हुई है, तो इनके ले जाइए, बहुत अच्छी तरह से इनकी सेवा कीजिए और आपका जीवन सफल बनाइए। तो वापस ले गए वृषभानु महाराज उस बच्ची को, और आगे चल के कीर्तिदा को दिखाया। कीर्तिदा को भी बड़ा आनंद आया, इतनी सुंदर थी बच्ची। परंतु धीरे धीरे उनको पता चला कि अरे ये बच्ची देख नहीं सकती, बोल नहीं सकती इत्यादि, तो इसलिए वो बहुत खुश भी थे और दुखी भी थे। और उस समय वहां पर नारद मुनि आए, तो वृषभानु महाराज की मानसिक स्थिति ऐसे थी जब नारद मुनि वहां पर आए, क्योंकि श्रीमती राधा रानी का जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ, और आज का दिन कौन सा है, भाद्र महीने का शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। तो इस पावन तिथि पर श्रीमती राधा रानी का जन्म हुआ अनुराधा नक्षत्र में, और श्री कृष्ण के जन्म के बाद इसलिए उनका नाम भी हुआ राधा रानी या राधा या राधिका, ये एक और एक कारण है। तो जब नारद जी ने सुना वृषभानु महाराज से इस बच्ची के बारे में, तो उन्होंने कहा ले जाइए मुझे बच्ची को देखने के लिए। तो उनको अंदर ले गए, और जैसे ही अंदर ले गए तो नारद मुनि समझ गए कि यही वो बच्ची है। और उस समय वृषभानु महाराज को कोई काम हो, कोई उनको बुलाने आ गया, तो वो चले गए। नारद मुनि से कहा, मुनिवर आप रहिए, बच्चे की आशीर्वाद दीजिए, थोड़े आवश्यक काम से मैं जा रहा हूं, अभी अभी आ जाऊंगा। अभी नारद मुनि उस बच्ची के साथ उस कमरे में अकेले थे। तो नारद मुनि ने ध्यान किया, और ध्यान में अचानक फिर उन्होंने क्या देखा कि एक किशोरी है जो स्वर्ण रंग की है, और जिसका सौंदर्य अपार है, और ऐसा सौंदर्य और ऐसा तेज, और उनके साथ में उनके कई सहेलियां थीं, सखियां थीं उनकी, और ये संपूर्ण दृश्य जब नारद मुनि ने देखा तो वो चकाचौंध रह गए। और फिर श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई, उनके मूल रूप में वो प्रकट हो गई, जिस रूप में वो गोलोक वृंदावन में निवास करती हैं।
अच्छा, यहाँ पर हम लोगों का जन्म होता है, हमारी आयु बढ़ती रहती है मृत्यु तक, फिर जन्म होता है, फिर हमारी आयु बढ़ती रहती है मृत्यु तक, तो ये चलता रहता है जन्म मृत्यु के चक्र में। परंतु भगवान श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी इत्यादि जब यहाँ प्रकट होते हैं तो ऐसे प्रतीत होता है कि उनका जन्म होकर बाल लीला वो करते हैं, पौगंड अवस्था में आते हैं, फिर किशोर अवस्था में आते हैं, किशोर अवस्था से अधिक आगे नहीं बढ़ते हैं दोनों, श्री कृष्ण भी और श्रीमती राधा रानी भी। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके धाम में, आध्यात्मिक जगत में, गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी सदैव किशोर और किशोरी के अवस्था में ही रहते हैं। वहां पे नित्य रूप से भगवान श्री कृष्ण की आयु है 15 साल 9 महीने और 7 दिन। ये श्री कृष्ण की नित्य आयु है, इसी आयु पर श्री कृष्ण रहते हैं। काश हमारा भी ऐसे होता, नहीं शायद नहीं होता, 15 साल में एसएससी की तैयारी कर रहे होते तो वो पढ़ाई। तो खैर, श्री कृष्ण की आयु इतनी होती है और श्रीमती राधा रानी की आयु होती है 14 साल 2 महीने और 15 दिन। तो दोनों में 1 साल और 7 महीने का अंतर है। तो ये नित्य रूप से उनकी आयु है वहां पर, परंतु जब यहाँ प्रकट होते हैं तो 15 और 14 वर्ष के किशोर किशोरी के रूप में तो नहीं प्रकट होंगे। जब मनुष्य समाज में आते हैं तो मनुष्यों की तरह भी उनको जन्म लेना है, फिर आगे उनकी आयु बढ़नी चाहिए। तो इस समय नारद मुनि को श्रीमती राधा रानी ने अपना नित्य किशोरी का रूप दिखाया। ये नित्य किशोरी रूप देखकर नारद मुनि उसको सहन नहीं कर पाए, बेहोश होकर गिर पड़े। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें भगवान का दर्शन चाहिए। दर्शन, पहले तो दर्शन लेने के लिए योग्यता चाहिए। योग्यता के बिना हमें किसी चीज को चाहना नहीं चाहिए। पहले योग्य बनना चाहिए, फिर उसकी मांग कर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से कच्चे अवस्था में, अपरिपक्व अवस्था में भगवान का दर्शन प्राप्त करने की इच्छा हम रखेंगे या कहते मुझे भगवान को देखना है, ऐसे नहीं होगा। हमें योग्यता प्राप्त करनी होगी भगवान को देखने के लिए, तो इसके लिए कई जन्म लग जाते हैं। तो ऐसे योग्यता प्राप्त करके फिर हम भगवान को दर्शन ले को पा सकते हैं। परंतु जब भगवान दर्शन देंगे, और ये दूसरी बात है कि उस दर्शन को क्या हम सहन कर सकेंगे? अभी यदि भगवान हमारे सामने आते अपने नित्य किशोर रूप में गोलोक वृंदावन से और हमें आज यहाँ मंदिर में आके दर्शन देते, हम तो सहन नहीं कर सकते थे उसे। इसलिए बड़े कृपालु होकर भगवान श्री कृष्ण अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट हुए हैं, और भगवान दर्शन देते हैं और कोई कष्ट नहीं होता है, हमको भी आनंद मिल जाता है भगवान का दर्शन करके। आज भी देखिए भगवान के भक्तों ने कितने सुचारू रूप से श्रृंगार किया है, कितने प्रेम से, भक्ति भावना से न केवल भगवान के सिंहासन का, भगवान के स्वयं उनके विग्रहों का, मंदिर का इत्यादि इतना सुंदर श्रृंगार हुआ है। तो ये भक्ति का प्राकट्य है। भगवान के भक्त अपनी भक्ति को सेवा के माध्यम से प्रकट करते हैं। तो खैर, अभी जब नारद मुनि बेहोश होकर गिर पड़े तो जानबूझकर श्रीमती राधा रानी ने थोड़ा मजाक किया था उनके साथ, को बेहोश कर दे, दर्शन दिया, नारद मुनि तो बेहोश हो गए। फिर जो गोपियां थी उनके साथ में, उन्होंने श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों से थोड़ा जल लिया, चरणामृत लिया और छिड़क दिया नारद मुनि के पास। नारद मुनि जाग गए, और उस समय उन सखियों ने कहा कि अभी आप उस स्थान में जाइए जहां अशोक वृक्ष अनेक हैं। ये गोवर्धन के पास में है, कुसुम सरोवर के पास में, जहां जिसे आज नारद कुंड कहते हैं। तो नारद मुनि वहां जाके तपस्या आज भी कर रहे हैं।
क्योंकि उस दृश्य को अभी देख के वो तृप्त नहीं हुए हैं, उनको और चाहिए। तो इसलिए आज भी नारद मुनि वहां पर हैं ब्रज लीला में। तो जैसे ही ये दृश्य समाप्त हुआ, फिर से अचानक श्रीमती राधा रानी वो छोटी बच्ची बनके सामने हुई। उस उधर नारद मुनि ने साष्टांग प्रणाम किया, पूरा दंडवत प्रणाम किया श्रीमती राधा रानी को। और ठीक उसी समय भगवान की योजना से वृषभानु महाराज आ गए अंदर। अरे रे रे, क्या कर रहे हैं आप? हाँ, आप छोटी बच्ची को क्यों प्रणाम कर रहे हैं, बल्कि आप बच्ची को आशीर्वाद दीजिए। नारद मुनि क्या कहते हैं, कहने के लिए क्या रह गया था? और नारद मुनि के अंदर अभी वो क्षमता रही नहीं कुछ कहने के लिए, एक शब्द नहीं बोल पाए, चुपचाप वहां से निकल गए, सीधे नारद कुंड चले गए वहां पे। और अभी वहां वो भजन कर रहे हैं, लेकिन जाने के पहले नारद मुनि ने उस समय भी कहा था कि ये, वैसे नारद मुनि ने नित्य किशोरी श्रीमती राधा रानी की स्तुति बहुत की थी इसके पहले कि श्रीमती राधा रानी ने अपना रूप प्रकट किया था। तो उधर नारद मुनि ने वृषभानु महाराज से कहा था कि आप अवश्य जन्मदिन को मनाइए, सारे भक्तों को, सारे व्रजवासियों को बुलाइए, मनाइए, आप अनुष्ठान मनाइए। तो फिर वृषभानु महाराज ने उत्सव मनाया श्रीमती राधा रानी के जन्म के उपलक्ष में। उधर जितने भी वृंदावन के निवासी थे सबको निमंत्रण मिला। और क्योंकि नंद महाराज वृषभानु महाराज के इतने घनिष्ठ मित्र थे, वो भी आए अपने परिवार को लेकर। माता यशोदा साथ में थी, श्री कृष्ण थे, रोहिणी देवी आई बलराम को साथ में लेकर, तो दोनों चले आए। उस समय श्री कृष्ण की आयु लगभग 1 साल के होने के कारण वो अपने घुटनों पर, हाथों पर चलते थे, अभी तक पूरी तरह से चल नहीं रहे थे। तो जब सारे बड़े लोग इधर उधर बातचीत करने में, कैसे हैं, कैसे क्या बात करने में वो लगे हुए थे, ये बच्चा जो है, बच्चा कौन, कृष्ण, ये कृष्ण चलते हुए, अपने घुटनों पर चलते हुए चलते आए, सीधा अंदर घुस गए। कहाँ पे? श्रीमती राधा रानी के कमरे में। वहां उनको रखा था एक आसन के ऊपर, पलंग के ऊपर। तो उसको पकड़ के वो श्री कृष्ण खड़े हो गए, हालांकि वो अपने आप खड़े नहीं हो सकते थे और चल नहीं सकते थे, परंतु वह बड़े कठिनाई से पकड़ के वो आगे खड़े हो गए और देखा कि अंदर कौन है। तो देखा तो ये छोटी बच्ची है, श्रीमती राधा रानी है। और जैसे श्री कृष्ण पास में आए, तो श्रीमती राधा रानी ने श्री कृष्ण के का जो दिव्य सौरभ है, सुगंध है, उसको सूंघ लिया। सौरभ अर्थात सुगंध, ये दिव्य सुगंध श्री कृष्ण के शरीर का होता है। जो इस सुगंध को प्राप्त करता है वो कभी भूल नहीं सकता, वो परफ्यूम वर्फ्यूम लगाना भूल जाएगा, ये तर बितर सब भूल जाएगा। इसलिए जो गाय है, जब गाय आके श्री कृष्ण को चाटती है, इसलिए कि श्री कृष्ण का शरीर बहुत स्वादिष्ट भी है और वो गंध भी उनको बहुत अच्छा लगता है। तो खैर, जैसे ही श्रीमती राधा रानी ने श्री कृष्ण का गंध, सुगंध जो सौरभ है, वो सूंघ लिया, उनको समझ में आया कि श्री कृष्ण आ गए हैं। जब गोलोक वृंदावन से यहां प्रकट होना था धरातल के ऊपर, तो श्रीमती राधा रानी ने पहले से ही कह दिया था कि मैं तो श्री कृष्ण को देखे बिना मेरी आंखें नहीं खोलूंगी, सबसे पहले मैं श्री कृष्ण को ही देखना चाहती हूं, अन्य किसी भी व्यक्ति को या वस्तु को नहीं देखूंगी। इसलिए श्रीमती राधा रानी का जन्म आंख बंद करके हुआ, और न मैं किसी आवाज को सुनूंगी सिवाय श्री कृष्ण के आवाज को। तो अभी इसलिए श्रीमती राधा रानी
ऐसे लगा उनको सबको कि वो देख नहीं पा रही हैं, सुन नहीं पा रही हैं। लेकिन जैसे ही श्रीमती राधा रानी को पता चला कि अभी श्री कृष्ण आए हैं, तो आंखें खोल दी और आंखें खोल गई और फिर बात भी करना शुरू की। आगे चल के दोनों के बीच में कुछ संवाद हुआ होगा, भले वो बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, राधा रानी तो नवजात शिशु थी और श्री कृष्ण भी 1 साल के थे, परंतु देखिए भगवान के लिए कोई आयु का अंतर नहीं पड़ता उनकी शक्ति के ऊपर, उनकी भगवत्ता के ऊपर। साधारण जो 1 साल के बच्चे होते हैं या 1 दिन 2 दिन 5 दिन के बच्चे होते हैं, वो बहुत नाजुक होते हैं, बहुत दुर्बल होते हैं, उनकी बुद्धि ठीक नहीं होती है, उनको कुछ समझ में नहीं आता है क्या है क्या नहीं है। परंतु जब श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी यहाँ प्रकट होते हैं, तो उनकी बुद्धि, उनकी शक्ति इत्यादि में, उनके ऐश्वर्य में कोई घटन नहीं होता। श्री कृष्ण संपूर्ण भगवान ही रहते हैं, सदैव रहते हैं, किसी भी रूप में वो प्रकट होते हैं यहाँ पर, तो उनकी भगवत्ता में कोई घटन नहीं होती। भगवान पहले थे, अब हैं और सदैव रहेंगे। उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी भी। तो फिर श्रीमती राधा रानी रोने लग गई, क्योंकि छोटे बच्चे का काम है रोना। तो जैसे रोने लग गई, बाहर खड़े होकर जो बातचीत कर रहे थे उन्होंने अचानक सुन लिया, अरे बच्ची रो रही है, रो रही है। तो सब लोग दौड़ के आए, हमने तो सोचा था कि बच्ची गूंगी है, परंतु बोल रही है, आवाज निकल रहा है मुंह से। और इतना ही नहीं, अंदर जल्दी से आए तो देखा कि आंखें भी खुली हुई हैं। अब तक आंखें बंद थीं, अभी आंखें खुल गई हैं और वो हंस भी रही है, स्मित हास्य दिखाई पड़ रहा है उसके बहुत ही सुंदर मुखारविंद के ऊपर। तो वृषभानु महाराज और कीर्तिदा देवी परम आनंद के समुद्र में डूब रहे थे, तैर रहे थे, और सारे ब्रजवासियों को बड़ा आनंद हुआ ये देखकर। और इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण पुनः इस धरातल पे एक साथ में आ गए। तो ऐसी सुंदर लीला वृंदावन में श्रीमती राधा रानी ने प्रकट की। और उसके बाद जब तक नंद महाराज माता यशोदा श्री कृष्ण बलराम को लेकर गोकुल में थे, तब तक वृषभानु महाराज और कीर्तिदा देवी राधा रानी को लेकर रावल में रहे। जब नंद महाराज गोकुल छोड़कर वृंदावन गए छटीकरा में, तो वहां से भी पास में एक दूसरे स्थान में वहां गए वृषभानु महाराज भी। और जब वृंदावन से आगे चल के वो नंदग्राम गए, तो फिर वृषभानु महाराज श्रीमती राधा रानी को लेकर वर्षाना या बरसाना नाम के स्थान में गए। आप सब बरसाना अवश्य गए हुए हैं। बरसाना एक पहाड़ है, पहाड़ कौन बने हैं? पहाड़ ब्रह्मा जी, क्योंकि वो राधा रानी की सेवा करना चाहते थे, इसलिए राधा रानी का बहुत सुंदर मंदिर है लाड़े श्री जी मंदिर, जहां उनका जन्म स्थान है रावल में, वहां पे लाडली लाल मंदिर है। लाडली अर्थात जो छोटे बच्चे को लाडली बोलते हैं। तो वहां पे बहुत सारे भक्त आया करते थे, आज भी जाते हैं, परंतु जब से बरसाना में उस पर्वत के ऊपर ये नया मंदिर बना, तब से अधिक लोग बरसाना में जाते हैं, क्योंकि अधिक लीलाएं वहां पे किशोर अवस्था में वहां पे हुए। तो रावल से फिर आए अंततः बरसाना में वापस पहुंच गए। तो वहां पर राधा रानी को शैलवासिनी नाम से पुकारा जाता है, ये और एक नाम है, शैल अर्थात पर्वत, वासिनी अर्थात निवास करने वाली। वैसे शैलवासिनी दुर्गा देवी का भी नाम है, क्योंकि वह हिमालय में निवास करती हैं, तो राधा रानी का भी नाम है क्योंकि वो इस पर्वत पर निवास करती हैं, शैलवासिनी। तो आगे चल के फिर श्रीमती राधा रानी अपने सखियों के साथ रहीं,
जैसे श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई वहां से आध्यात्मिक जगत से, उनके साथ जो जितने भी उनकी सखियां हैं वो भी प्रकट हुई, क्योंकि वो अकेली तो नहीं आएंगी। जैसे श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों को साथ में लेकर आए थे वहां से, श्रीमती राधा रानी भी सखियों को लेकर आई और आगे चल के लगभग 10.5 वर्षों तक श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी ने कितने सुंदर सुंदर लीलाएं प्रकट की वहां पर। 10.5 वर्षों के बाद लगभग जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तो श्रीमती राधा रानी और अन्य ब्रजवासी वृंदावन में ही रहे, परंतु श्री कृष्ण मथुरा गए, मथुरा से आगे चल के द्वारका गए। श्रीमती राधा रानी हमारे लिए, हमारे ऊपर कृपा करने के लिए अर्चा विग्रह के रूप में भी प्रकट हैं और नाम रूप में भी वो प्रकट हैं। भगवान कृष्ण के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। हम जब कृष्ण कहते हैं तो हमें जान लेना चाहिए कि स्वयं श्री कृष्ण हमारे जीभ पर उपस्थित हैं। ठीक उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी के नाम में और श्रीमती राधा रानी में कोई अंतर नहीं है। जब हम राधा कहते हैं, हे राधे कहते हैं, तो निश्चित रूप से श्रीमती राधा रानी हमारे जीभ पे उपस्थित रहती है। तो श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र में हरे ये श्रीमती राधा रानी का संबोधन है और कृष्ण तो परम शक्तिमान कृष्ण का संबोधन है। तो जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कहते हैं तो हम श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण दोनों का संबोधन एक साथ में करते हैं और हम दोनों से प्रार्थना करते हैं कि हे श्रीमती राधा रानी, हे श्री कृष्ण, कृपया हमें कृपा दीजिए और आपकी सेवा में लगाइए। तो कृपा क्या है? कृष्ण की सेवा में लगना। कृष्ण की सेवा में लगना इसका अर्थ क्या है? कृष्ण की वाणी सुनना, भगवद गीता से, श्रीमद् भागवतम से, कृष्ण के लीलाओं के बारे में सुनना, कृष्ण के उपदेशों के साथ साथ उनको लीलाओं को जानना भी आवश्यक है, मंदिर में आके कृष्ण का रूप देखना, उनकी सेवा करना, कृष्ण का प्रसाद पाना, और विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं वो सब करना, और सबसे महत्वपूर्ण उनके पवित्र नामों का उच्चारण करना। इनसे श्रीमती राधा रानी प्रसन्न हो जाएंगी, श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे और हमारा आध्यात्मिक जीवन सफल हो जाएगा। तो आज क्योंकि श्रीमती राधा रानी का जन्मदिन है, वो और भी ज्यादा कृपालु है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे श्रीमती राधा रानी, कृपया हमारे जीवन में जितने भी विघ्न हैं, जितने भी समस्याएं हैं जो बाधक बन रही हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, उन्हें कृपा नष्ट कर दीजिए। ऐसी कृपा हमारे ऊपर कीजिए कि हम कृष्ण भक्ति और आपकी सेवा अच्छी तरह से कर पाएंगे, निस्वार्थ भाव से, निष्ठावान श्रद्धावान होके प्रेममयी सेवा करना चाहते हैं, आपकी कृपा बरसाइए। और निश्चित रूप से हमारी पुकार वो स्वीकार करेंगे। जितने अधिक श्रद्धा से हम भगवान राधा रानी से मांगेंगे, उतने ही शीघ्रता से वो प्रदान करेंगे। श्रीमती राधा रानी की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री राधाष्टमी महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।